السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون

जिससे कि आसमान भर जाए जमीन भर जाए और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है वो सब भी और उसके बाद हर वो चीज जिसे तू चाहे कि वो भर जाए यानी तेरी तारीफ से भर जाए ऐ वो ज़ात जो तारीफ और बुजुर्गी के लायक है जो तू अता फरमाए उसे कोई रोकने वाला नहीं और जो तू रोक दे उसे कोई देने वाला नहीं और किसी साहिब हैसियत को उसकी हैसियत तेरे यहां कोई फायदा नहीं दे सकती अल्लाह सुबहान तला की हमदो सना के साथ दुआ का आगाज करना चाहिए और अल्लाह सुबहानुला की कितनी हमद करें इतनी हम कि जिसको न गिना जा सकता हो और न शुमार किया जा सकता हो अल्लाह सुबहानुता ही हमद का सना का तस्बी का तारीफ का जिक्र का बुजुर्गी और अजमत का मुस्तक है और सना का मतलब होता है खूबसूरती के साथ किसी की तारीफ करना मदा करना किसी को खूबसूरती के साथ मुतसिफ करना उसके अच्छे औसाफ बयान करना और मर्ज कहते हैं अजमत और इंतहा दर्जे का शरफ तो अल्लाह सुबहान जब किसी को कुछ देने का इनाम देने का कुछ अतिया देने का इरादा कर लेता है तो उसकी मेहरबानी और उसके फजल और उसके रहमत को कोई रोक नहीं सकता और अगर वो किसी से अपनी नेमतें रोक ले तो फिर कोई और दे नहीं सकता मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा वमा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बादि अल्लाह जो रहमत लोगों के लिए खोल दे तो उसे कोई बंद करने वाला नहीं और जिसको वो बंद कर दे तो उसके बाद उसे कोई भेजने वाला नहीं तो इससे क्या पता चलता है कि हर चीज का मालिक सिर्फ एक अकेला अल्लाह ही है वो ही सब कुछ कर सकता है लिहाजा अगर हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल हो कोई तकलीफ हो कोई परेशानी हो तो हमें किसकी तरफ रुजू करना चाहिए सबसे पहले किसकी याद आनी चाहिए सबसे पहले किसका जिक्र करना चाहिए एक अल्लाह का क्योंकि सारे मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ उसी के पास है हम आमतौर पर दुनिया में जो रिसोर्सफुल पर्सन होते हैं उनकी तरफ रुजू करते हैं मसला अगर किसी के पास ज्यादा दौलत है या किसी के पास ज्यादा इल्म है या कोई नेकी या तकवा है तो हम समझते हैं कि ये हमारे मसाइल हल कर देंगे हालांकि उनमें से किसी के पास कोई भी ऐसी शक्त नहीं कि वो किसी के मसाइल हल कर सकें किसी का रिसोर्सफुल होना किसी को फायदा नहीं दे सकता बाज़ात खुद उसको भी फायदा नहीं देता बल्कि जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो इंसान अपने ही कुतों से भी फायदा नहीं उठा सकता आपने देखा होगा कितने ही जहीन लोग होते हैं लेकिन अपनी जहानत को जया कर देते हैं कितने ही इल्म वाले होते हैं जो अपने इल्म पर अमल नहीं करते अपने इल्म को जया कर देते हैं कितने ही दौलतमंद ऐसे होते हैं कि जो अपनी बीमारियों की वजह से अपनी तकलीफों की वजह से अपनी दौलत से कोई फायदा नहीं उठा सकते ना वो मर्जी का खा सकते हैं ना मर्जी का पहन सकते हैं और ना मर्जी से कहीं जा सकते हैं हालांकि बेशुमार दौलत उनके पास होती है लेकिन वो उससे फायदा नहीं उठा सकते क्योंकि जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो जब तक अल्लाह की रजा ना हो अल्लाह की तरफ से इजन ना हो कोई कुछ भी नहीं कर सकता आज हम इन शाह पर रहने और शिरक से बचने की दुआएं सीखेंगे क्योंकि सबसे पहला हक अल्लाह सुबहान तला का हक है और सबसे पहले जो चीज हमें आनी चाहिए जो चीज हमें सीखनी चाहिए वो है तोहेद और उसके लिए हमें दुआएं भी करनी चाहिए हम देखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने जब काबतुल्लाह की तामीर कर ली तो उसके बाद जो दुआ की वो क्या थी रब बना रब्बना ए हमारे रब और हमें अपने लिए फर्मा बरदार बना और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत अपने लिए फर्मा बरदार बना और हमारे इबादत के तरीके हमें दिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा

कि हमारे रब इस इस शहर को अमन वाला बना दे और मुझे और मेरे बेटों को इससे बचा ले कि हम बुतों की इबादत करें उन्होंने इस चीज का दावा नहीं किया कि मैंने ये घर अल्लाह की इबादत के लिए बनाया शिरक और शिरक वालों को छोड़कर आया हूँ और यहाँ ये शहर आबाद किया है ये घर आबाद किया है अब तो हम शिरक से महफूज हो गए और अब मैं भी और मेरी औलाद भी अपने बलबोते पे हम अब शिरक नहीं कर नहीं उन्होंने अपने आप पर भी एतमाद नहीं किया उन्होंने ये नहीं कहा कि अब चूंकि मैं तो शिरक से बचने के लिए आदमी भी कूद पड़ा तो मुझ पर शिरक कहां असर कर सकता है नहीं जब तक अल्लाह सुबहान ताला नहीं बचाता तो कोई भी नहीं बच सकता इल्ला बिल्ला लिहाजा उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मुझे भी बचा ले और मेरे बच्चों को भी बचा ले कि हम बुतों की इबादत करें यूनुस अलैहि सलाम जो मछली के पेट में गए तो उस वक्त उन्होंने क्या दुआ की ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिन अज़्ज़ालिमीन अल्लाह सुभान व तआला की तौहीद का जिक्र सबसे पहले किया क्योंकि ला इलाहा इल्ला अल्लाह सबसे अफजल कलिमा है ला इलाहा इल्ला अल्लाह निजात की कुंजी है जन्नत की कुंजी है जिस तरह इबादत की नमाज की कुंजी तहारत है हज 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 की या हज की की या कुंजी जो है वो अराम है तो इसी तरह जन्नत में जाने के लिए ला अला चाहिए ये सबसे अफसल कलाम है और इस ला इलाहा का सीखना हर एक पर वाजिब है तो यूनुस सुसलाम ने कहा लात इला सुबह का इन कुंतु तेरे सिवा कोई इलाह नहीं तू पाक है बेशक मैं ही जालिमों में से हूं और फिर वो क़लिमा जो तमाम अम्बिया ने हज के मौके पर अरफा में पढ़ा वो सबसे बेहतरीन क़लिमा जिसको करार दिया गया वो है लाला शरीक अला लहुल मुल्क व लहम्ब कदीर अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं वो अकेला है सारी बादशाहत उसी की है और सारी तारीफ भी उसी की है और वो हर चीज पर कादिर है जहां हमें अपनी तौहीद को खालिस करने के लिए इन कलमात का जिक्र करना चाहिए वहां दूसरी तरफ कुफर और शिरक और निफाक से बचने की दुआएं भी करनी चाहिए अल्लाह इन बिकमिन कुफरी

इन्नी अल्लाउ बिका अनुश्रिका बिका आलम अल्लाह में तेरी पनाह में आता हूँ इस बात से कि मैं जानबूझकर कर तेरे साथ किसी को शरीक करूँ और जो मैं नहीं जानता हूँ उसके लिए तुझसे मफफरत तलब करता हूँ और इसी तरह अल्लाह का असलम व बिका आमन व अलही कावक् तो वह इही का अनब तू वह बे समी अज्जती का ला अलाता मैंने तेरी फर्मा बरदारी की मैं तुझ पर ईमान लाया तुझ पर तोल किया तेरी तरफ रुझू किया तेरी ही मदद से लड़ा एल्लाह मैं तेरी इज्जत के जरिए इस बात से पनाह मांगता हूँ कि तू मुझे गुमराह करे यानी अल्लाह सुबहान तला की तोहिद का इकरार करते करते दुआ क्या मांगी कि तू मुझे गुमराह ना करना क्योंकि हिदायत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है तेरे सिवा कोई मबूद नहीं तू जिंदा है जिसको कभी मौत नहीं आएगी और जिनों इन सब के सब मर जाएंगे तो यहां पर आप देखिए एक तरफ हमें तोहिद खालिश हासिल करने की दुआएं करनी है और उसका इकरार करना है और इजहार करना है अगर आपको याद हो जो दुआ के मैंने इब्तदाई लेक्चर्स दिए थे तो उसमें मैंने दुआ की तीन किस्में बताई थी और उसमें सबसे पहली किस्म दुआ की क्या थी तोहहीद का इकरार ला यानी ला लहा का अगर आप तकरार कर रहे हैं सिर्फ अपनी तोहद का इजहार कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी दुआ है यही दुआ है क्योंकि आप अल्लाह सुबहान तरहसार कर रहे हैं अपना सब कुछ उसी के सपुर कर रहे हैं इंसान दुआ कब करता है जब उसकी कोई जरूरत होती है जब उसको कोई परेशानी होती है जब उस पर कोई गम होता है जब वो किसी बीमारी का शिकार हो जाता है जब उसको कोई माली मामला पेश आ रहे होते हैं जो मुश्किल हो जाते हैं तो ऐसे वक़ात में हम अल्लाह से दुआ करते हैं क्यों करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुश्किल को दूर कर सकता है और जब हम सिर्फ अल्लाह ताला की तोहीद बयान करते हैं कि और कोई इलाह है ही नहीं और कोई मददगार ही नहीं और कोई कारसाजी नहीं और कोई दुख दूर करने वाला ही नहीं और कोई मुश्किल से निकालने वाला ही नहीं तो दरअसल हम इस बात का इकरार कर रहे होते रंज गम के से निकलने की दुआ क्या बताई गई अल्लाह अल्लाह रबी लाउ शरीक इसमें मांगा तो कुछ नहीं सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह मेरा रब है और मैं उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं करता अपनी तोहिद को खालिस कर रहे हैं क्योंकि आप इस बात का जबान हाल से इकरार कर रहे हैं कि आपकी ये बेबसी लाचारगी तकलीफ परेशानी सिर्फ एक अल्लाह ही दूर कर सकता है और जितना जितना, जितना ज्यादा आप अपनी तोहिद को खालिस करते चले जाते हैं उतना ही आप अल्लाह को राजी करते चले जाते हैं क्योंकि अल्लाह सुबहाना को सबसे ज्यादा जो चीज़ नाराज करती है वो शिरक है शिरक क्या है ज़ुल्म अज़ीम है अल्लाह सुबहान सब चीजें माफ कर देगा लेकिन शिरक को माफ नहीं कर देगा शिरक को माफ नहीं करेगा तो फिर जब हम लाला लाला ला लाह पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं तो दरअसल किस चीज़ की नफी कर रहे होते हैं शिरक नफी करने होते हैं क्योंकि इसमें एक तरफ ला अला ला कि कोई भी इलाह नहीं मेरे नज़दीक कोई भी बड़ा नहीं तुझसे कोई भी मबूद नहीं कोई भी इबादत के लाइक कोई भी हाजत रवानी कोई भी मुश्किल कुछ आने अल्लाह के हर खैर की कुंजिया अल्ला के पास है मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ उसी से मदद तलब करता हूँ वही मेरा असल मददगार है और जितना ज्यादा दिल के साथ आप इस कलमे को पढ़ेंगे और पुकारेंगे और अपनी तकलीफ में आप कुछ भी नहीं कहते सिवाये के लाला ला इलाहा ला इल्लल्लाह इला बीमार है दुखी है और इसके कहने में आप देखें अगर आपका मुंह नहीं खुलता था तब भी आपकी जबान इस कलमे को अदा कर सकती यानी आपको इसे बोलने के लिए ना अपने होंठ हिलाने पड़ते ना अपने हलक को तकलीफ देनी पड़ कुछ भी नहीं ला इला ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह और आप देखें अगर आप परेशान हो दुख में हो किसी गम में हो मसाइल में घिरे हुए हो, और आपको कुछ समझ ना आ रही हो तो बस सिर्फ इतना पढ़ना शुरू कर दें, इल्लल्लाह ला। और शर्क से बेजारी का इजहार शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि जो ही आप अपनी तौहीद को खालिस करेंगे आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपने अपना पूरा तवक्कुल अपना भरोसा अपना एतमाद अल्लाह पे जाहिर कर दिया अपने सारे मामला अल्लाह के सपुर कर दिए वो सीधा करने वाला है हम समझते हैं कि हम मसायल को हल कर सकते हैं हम उलझे हुए धागे सुलझा सकते हैं नहीं सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है और इसके लिए इल्म होना भी जरूरी है इस पर ईमान और एतमाद होना भी जरूरी है इस पर यकीन होना जरूरी है और इसका फिर जबान से इजहार और इकरार भी जरूरी है तो तोहीद यही है कि इंसान अपनी सिर्फ़ ज़बान से नहीं अपने हाल से भी सिर्फ एक अल्लाह का इकरार करे अल्लाह सुबहान हमें पैदा ही इसलिए किया है व मा खल्जन नवल इन अल्लाबून कि मैंने जिन्नों इंसानों को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें यानी अल्लाह के बन जाए यानी सबसे ज्यादा मोहब्बत भी उससे करें, सबसे ज्यादा ताज़ीम भी उसी की सबसे ज्यादा हक उसी का हर चीज पर उसी को तरजीह देने वाले हों। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की सत्तर या साठ से ऊपर कुछ शाखें हैं जिनमें सबसे अफजल ला इल्लल्लाह कहना है और जब इल्लल्लाह इंसान कहता है तो हर चीज की नफी कर देता है चाहे वो इंसान हो चाहे वो जिन हो चाहे वो फरिश्ते हों चाहे वो हैवानात हों चाहे वो नबातात हों चाहे वो पहाड़ और जमादात हों कोई भी सबकी नफी इनमें से कोई एक भी मबूद नहीं क्योंकि जिन कौमों ने शिर किया उन्होंने कभी इंसानों को अपना इलाह बना लिया जैसे फिर ने कहा था अनब कु अला मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं ये तकबर की इंतहा है तो लोगों ने उसको क्या माना हुआ था कि क्या तुम तो मेरे वो कहता है क्या तो मेरे लावा किसी इलाह को जानते हो मैं ही तुम्हारा इलाह हूँ तो लोगों ने भी उसको इलाह मान लिया तो बहुत से जिन कौमों ने शिर किया उन्होंने इंसानों को वाकई अपना माबूद बना लिया और उनके आगे वो झुके भी और बुधा को क्या समझते हैं लोग सलाम को क्या बना लिया अल्लाह का बेटा के अलावा और इलाह भी बना दिया तो नेक लोगों को लोगों ने अपना इलाह बना लिया मुसलमानों के अंदर भी आप देखें कि किसी दर्जे में बुजुर्गों की नेक लोगों की तकवा वालों की एक खास ऐसी अकीदत होती है जो उन्हें नवजुबिल्ला अल्लाह के मकाम या उसके बराबर कर देती है कि यही हमारे सब कुछ है यही हमें सब कुछ देंगे इन्हीं की वजह से ही सब कुछ है यही तो शिरक है अल्लाह सुबहान तआला को किसी की जरूरत है किसी की भी जरूरत नहीं है कोई सारी जिंदगी भी सजदे में पड़ा रहे तो अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकता एक नेमत का हक अदा नहीं कर सकता कहाँ ये कि वो ये समझे कि मैं छोटी चो, मोटी टूटी फूटी इबादत करके कुछ बन गया और अब लोगों के मसाइल का हाल मेरे हाथ में है किसी के हाथ में नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह ही है जो सब कुछ करता है फिर आप देखें अहले अरब ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना के उनकी पूजा शुरू कर दी थी उनकी देवियां बना के रख ली थी बुत बना के रख लिए थे और वो समझते थे कि ये हमारी मुश्किलात आसान करती हैं और ये हमारे फायदे की है वो उनके नाम की नजर न्याज करते उनके नाम पे चढ़ावे चढ़ाते उनके नाम पे जानवर जबा करते करते बहुत कुछ उनकी तरफ से करते। तो ला इलाहा इल्लल्लाह कोई फरिश्ते भी नहीं फिर लोगों ने जिन्हों को भी इलाह बना लिया सूरह अल सूरज में इसका जिक्र मिलता है कि इस चीज ने वो उनसे डरते थे उनसे खौफ खाते थे और जब किसी स, जब सफर करते और रात को कहीं पड़ाव करना होता किसी वादी में ठहरते तो कहते हम इस वादी के जिन की पनाह तलब करते हैं कि वो हमें हर तरह के शर से बचाए यानी यहाँ जो कीड़े मकोड़े हैं या और कोई दुश्मन है उन सब के शर से हमें ये जिन का जिनों का सरदार बचा ले नवजुबिल्ला बहुत बड़ा शर्क है फिर इसी तरह कुछ लोगों ने पत्थरों के बुत बना लिए उनको पूछते हैं कुछ ने दरख्तों को बुत बना लिया और अब तो आप देखिए कि करोड़ों की तादाद में है जिस जिस चीज से इंसान डरे आग से डरे पानी से डरे उन सब चीजों को अपना इलाह बना लिया तो हमें इस्लाम एक वाहिद ऐसा दीन है कि जिसमें सबसे ज्यादा जिस चीज की इम्पोर्टेंस है और जिसके बगैर कोई मुसलमान मुसलमान ही नहीं होता वो है ये इला इलाहा इला, कलिमा कि हम हर एक की नफ़ी करते हैं सबको नगेट करते हैं और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहान त अपना अला और मबूद समझते हैं और फिर तोहहीद का जो लफ्स है ये वाहि है जिसका माना होता है किसी चीज को एक बनाना इसी से अल्लाह ताला की है, और फिर अल्ला ताला को एक उसकी जात में, में यानी उस उसकी जात में भी कोई शरीक नहीं और उसकी सिफात में भी कोई शरीक नहीं उसकी उलूहत में यानी उसके इलाह होने में उसकी रबूबियत में रब होने में उसके तमाम असमाओं से वो यकता है तारीफ यूं बयान करते हैं तोहहीद सिर्फ बंदे के इस इकरार को नहीं कहते कि अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं और ये कि अल्लाह हर चीज का रब और उसका बादशाह है जैसा कि बुतों के परस्तिश करने वाले इसका इकरार करते हैं लेकिन फिर भी वो मुशरक है यानी अल्लाह को एक मानना इस माने में कि वही खालिक है वही मालिक और रब है बादशाह है लेकिन साथ ये देविया भी हैं तो ये भी शर्क हो जाते हैं यानी कुछ लोग अल्लाह ताला की कुछ सिफात में उसको एक मानते हैं और बाकी में दूसरों को भी शरीक कर देते हैं वो कहते हैं और बड़ी खूबसूरत तारीफ है ये तोहहीद की और हमें समझनी चाहिए अच्छी तरह कि तोहीद अल्लाह की मोहब्बत उसके सामने झुक जाने उसके दरवाजे पर आजी और इनकसारी करने उसकी इतात में कमाल फर्मा बरदारी करने उसकी इबादत में कमाल इखलास इख्तियार करने और अपने तमाम अकवाल और अफ़ाल में उसके बुलंद चेहरे और रजा का इरादा करने पर मुश्तमिल है उसी के लिए रोक लेने उसी के लिए अता करने उसी के लिए मोहब्बत करने और उसी के लिए नफरत करने पर मुश्तमिल है यह है तोहीद यानी तोहीद में सिर्फ इतना काफी नहीं कि हम कहें कि हम पत्थरों के बुतों को या इंसान और जिन्नात और इनको नहीं मानते बल्कि उसके साथ साथ यानी मोहब्बत भी सबसे बढ़कर अल्लाह से वल्लीन आमनू अशदुहबल्ला सजदा भी सिर्फ उसी के लिए किसी और के लिए नहीं किसी और के आगे नहीं झुकना आजी और इंकिसारी की इंतहा सिर्फ उसी के लिए इतात में कमाल फर्मा बर्दारी उसी की इबादत में इखलास उसी के लिए और फिर हम जो बातें करें अकवाल अफाल हमारे जो भी काम है सिर्फ अल्लाह को राजी और खुश करने के लिए करें। उसका मकसद ये ना हो कि लोग हमसे खुश हो जाएं, लोग हमसे राजी हो जाएं, ताकि वो हमें कुछ फायदे पहुंचा सके यानी लोगों की खुशामद करना लोगों की तारीफ इसलिए करना ताकि इनसे हमें कुछ बेनिफिट्स मिल जाएं। नहीं जब किसी को ये पता चलता है कि कोई उसकी तारीफ इस मक, किसी मकसद के लिए कर रहा है तो कैसा लगता है यानी अगर आप अपने आप को रखे देखें अगर आपको ये पता चले कि सामने वाला किसी मकसद मतलब के लिए मेरी तारीफ कर रहा है तो आपको वो तारीफ कैसे लगेगी आएगी। बहुत बुरी लगेगी बेजार होंगे आप उससे तो इसलिए हमारे दीन ने हमें इससे भी रोका है कि लोगों की तारीफ या लोगों लोगों के साथ खैर खाई या अच्छा अखलाक इवन जो स्माइल करना है ये सब चीजें भी अल्लाह के लिए करो इसलिए नहीं करो कि आपको उनसे कोई फायदा मिल जाए वो बहुत से तरीके बताए भी होते हैं कि आप ये और ये काम करें तो फिर आप लोगों की मोहब्बत हासिल हो जाएगी मोहब्बत तो अल्लाह डालता है दिलों में आप सौ चीजें कर लें नई मोहब्बत किसी की ले सकते आप मोहब्बत खरीद नहीं सकते आप जितनी चाहे किसी की खिदमत कर लें जितनी चाहे किसी की चाकरी कर ले, लेकिन आप उसकी मोहब्बत नहीं ले सकते जब तक अल्लाह आपके लिए उसके दिल में मोहब्बत ना डाले इन आमन वमिल सैयदानद्दा जो अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं ना अल्लाह के बन जाते हैं ईमान ले आते हैं नेक अमल करने लगते हैं अल्लाह जरूर उनके दिलों में ऐसे लोगों की यानी लोगों के दिलों में अल्लाह ताला रहमान उनकी मोहब्बत पैदा कर देगा आप अल्लाह के बन जाए मखलूक आपसे मोहब्बत खुद ही करने लगेगी बंदों से मोहब्बत किसी मतलब मकसद के लिए ना करें आप देखें कि बास बच्चे वालदान की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते लेकिन उन्हें जब वालदेन से कुछ चाहिए होता तो फिर वो उनकी कुछ तारीफ वगैरह कर देते हैं मतलबी मोहब्बत खुद गर्जी की मोहब्बत दुनियावी फायदे हासिल करने की मोहब्बत नहीं हमें अगर किसी से मोहब्बत भी करना है तो सिर्फ अल्लाह के लिए अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह से अजर पाने के लिए क्योंकि इसका भी अजर है जब हम अच्छे अखलाक से किसी से पेश आते हैं हम किसी की मदद करते हैं हम किसी की खिदमत करते हैं हम किसी के काम आते हैं और अगर हम अपने दिल में ये दोहराते ये मैं सिर्फ अल्लाह के लिए है इसका अजर मैं अल्लाह से चाहता हूँ इसका बदला मैं अल्लाह से चाहता हूँ तो आप देखेंगे कि सामने वाला शुक्रिया कहे या ना कहे आपको दुआ दे या ना दे आपकी तारीफ करे या ना करे आपको बदला दे या ना दे ना आपका दिल टूटेगा ना आपका इत्मीनान और चैन खराब होगा कुछ भी नहीं होगा आपको आप कितने मजबूत इंसान बन जाएंगे क्योंकि आपने उसके लिए तो किया ही नहीं आपने जिसके लिए किया उसने देख लिया और उस पर आपका पक्का यकीन है कि उसने तो बदला देना ही देना है ना क्योंकि वो किसी का एहसान नहीं रखता यानी हमारी नमाज इनती सलाती व व या व ममाती रबी पहली दो बातें तो समझ आती हैं भाई नमाज अल्लाह के लिए भी सजदा अल्लाह के लिए करो किबले की तरफ रुख करो अल्लाह की अल्लाह का जिक्र करो कर कुर्बानी पढ़ते हुए करते हुए भी अल्लाह का नाम लो ये तो बात समझ में आती है लेकिन माहिया या व ममाती मेरी जिंदगी और मौत अल्लाह के लिए जी पैदाइश से लेकर मौत तक के जितने भी काम कर रहे हो ना वो भी अल्लाह के लिए अल्लाह को खुश करने के लिए बंदों के पीछे भागना छोड़ दो अल्लाह को खुश करो अल्लाह को राजी करो यही तो जब अल्लाह को राजी करोगे ना अल्लाह सुबहान तला दिफा भी करेगा तुम्हारा तुम्हारी मदद करेगा तो तो तुम सोच भी नहीं सकते कि किस किस तदबीर से वो तुम्हें फायदा पहुंचाएगा कहां, कहां से बात हम किसी चीज की जरूरतमंद होते हैं वैसे कोई बीमारी आ गई है कोई मुसीबत और तकलीफ आ गई है हम उसके लिए दुआएं कर रहे होते हैं फिर हमें शिफा हो जाती है हम सोचते हैं ये हमने दुआएं की थी ना वो मेरी दुआ कबूल हो गई फिर अपने को क्रेडिट दे रहे होते हैं मेरी दुआ से फला ने दुआ कर, आपकी दुआ से ये हुआ ये कितना आम जुमला है आपकी दुआ से ये फलां काम हो गया आपको किसने बताया कि उसने वाकई इतनी अच्छी दुआ की और वाकई दुआ की भी है या नहीं की ये हमने एक, एक तकिया कलाम बना लिया आपकी दुआ से ये सब कुछ हो गया वो तो अगले को पता भी नहीं होता कौन सी दुआएं अल्लाह की रहमत से और ये हो सकता है कि आपकी दुआ मेरी दुआ इसकी दुआ उसकी दुआ इससे कुछ हुआ हो क्योंकि हमारे पास कोई गारंटी नहीं हमारे पास कोई यकीनी इल्म नहीं है हमें कहाँ से पता चला बात यह है कि आप दुआ की बात करें आपको नहीं मालूम हो सकता है आपने किसी ऐसे वक्त में किसी शदीद भूखे को खाना खिलाया हो और आप खिला के भूल चुके हो और अल्लाह ने आपकी वो नेकी लिख ली और इस वक्त जब आप शदीद तकलीफ में थे तो उस नेकी का बदला आज आपको यूं मिला कि आपकी दुआ को आप सेहतमंद हो गए अल्लाह जिस तरीके से मदद करता है बंदों की वो आप अपनी तरफ से खानों में मत बांटे अल्लाह ने ये कर दिया अल्लाह ताला ये कर अल्लाह के बारे में वो बातें क्यों कहते हो जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं यानी ये शिर्क से भी बड़ी बुराई है माला तुम अल्लाह के बारे में वो बातें करो जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं तुम जानते भी नहीं अपने पास से ही अल्लाह के जिम्मे लगा रहे हो चीजें अल्लाह ताला से उसने जन रखना चाहिए लेकिन हमारी सारी जिंदगी में तोहीद होनी चाहिए यानी हम चाहे नमाज पढ़े चाहे रोजा रखे यानी रोजा अल्लाह ताला इसीलिए तो उसकी जजा खुद देगा कि रोजा अल्लाह के लिए होता है यानी सिर्फ अल्लाह ही जानता कि हमने रोजा रखा या नहीं तो वही इसकी जजा देगा इसी तरह वह अतमुल हज वमरा तल्ला हज और उम्र भी सिर्फ अल्लाह के लिए करो और बाकी माहिया व ममाती में सब कुछ कवर हो जाता है बंदों की खिदमत बंदों की बंदों के साथ हसन सलूक उनके बुरे रवैये के बावजूद उनके साथ एहसान का मामला करना ये आप ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कितने ही लोग हैं जो किसी को माफ नहीं कर सकते अल्लाह अकबर ऐसे संग दिल होते हैं ठीक है लोगों की बड़ी बड़ी जातियां होती हैं लेकिन उस हसना क्या कहता है नबी अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या कहती है अगर वो लोगों को माफ ना करते तो क्या ऐसे दीन फैलता उन्होंने माफ किया किसके लिए अल्लाह के वह सबर किया किसके लिए वाले रबी का फसबिर जब हम कहते हैं ना सब्र नहीं होता नहीं अगर आप अल्लाह की खातिर करेंगे तो सब्र भी हो जाएगा अल्लाह की खातिर करेंगे तो शुक्र भी हो जाएगा अल्लाह की खातिर करेंगे हर बड़े से बड़ा मुश्किल से मुश्किल काम अल्लाह के लिए आप कर सकते हैं क्योंकि आप कहते हैं मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं हम बंदों के सामने स्टबन हो जाते हैं जिद्दी हो जाते हैं उनके साथ मुकाबले पे उतर आते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे साथ ये किया तो हम इनको ऐसे मजा चकाएंगे ये सारी चीजें लेकिन अल्लाह सुबहान तल्ला सुबहान तला के साथ हमारा मामला आजजी और इनकी सारी का अल्लाह की खातिर हम हम अल्लाह की खातिर टूट सकते हैं हम अल्लाह की खातिर अगर हमारी कोई इज्जत नहीं करता तो हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि इज्जत तो सारी सारी अल्लाह के लिए है तो तू इजो मंतु मंतशा तू जिसे चाहता है बेदल खैर इन्ना का अलाकुल्लिश इनका कदीर तो इसलिए छोटे से छोटा काम हो किसी से सलाम करना हाथ मिलाना स्माइल करना गले लगाना किसी की को मदद करना खिदमत करना किसी के काम आना किसी को को मशवरा देना किसी का गम बांट लेना किसी वहशत ज्यादा दिल को उस फराहम करना किसी के सवाल का जवाब दे देना किसी को को मशवरा दे के उसकी मदद कर देना किसी की को माली मदद कर देना किसी को खिला देना पिला देना कुछ भी हो सिर्फ अल्लाह के लिए माहिया या माती शुरू से लेके आखिर सिर्फ अल्लाह के लिए सिर्फ इन नमानतम लिवा ला हमें आपसे बदला भी नहीं चाहिए इसके इसके एवज और शुक्रिया भी नहीं चाहिए बात ही खत्म हो गई झंझट खत्म हो गए क्योंकि हम सारे इसी शशोपन में पड़े रहते हैं फला ने हमारे साथ ये एहसान किया तो अब हमें क्या कर? लोग एहसान को भी एक बोझ लेके बैठ जाते हैं और जिंदगी में लोगों को ही प्लीज करते करते जिंदगी बीत जाती है। अगर हर शख्स के अंदर ये तोहिद आ जाए ये इखलास आ जाए कि जो करना है अल्लाह के लिए करना है और इसका सिला और इसका बदला और इसका अजर अल्लाह से रखनी है तो आप जब अल्लाह के लिए सब कुछ करेंगे तो आपके नेक कामाल में तेजी आ जाएगी क्योंकि आप बहुत सारे बोझ से निकल जाएंगे आप अल्लाह के अल्लाह ताला से कनेक्शन हो जाएगा आपको परवाह नहीं रहेगी लोगों की कि लोग आपसे खुश हैं या नाराज हैं आप नहीं नाराज करेंगे उनको लेकिन अगर आपके एहसान के बावजूद वो मानने को ही नहीं तैयार मामला अल्लाह पे छोड़ देना बात वक़्त ये होता है हम समझते हैं इसका मामला मेरे साथ है ये मेरी वजह से ऐसे हो रहा है मेरी कोई गलती है तो इसका मूड ऑफ है या ये मेरी वजह से ये सब खराबी कर रहा है आपको नहीं पता अल्लाह ने उसको किसी और तरह सजा दी हुई है कि वो अपने टॉर्चर से नहीं निकल पाता ठीक कि, कि किसी को माफ नहीं कर सकता या किसी के साथ कि, नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी नहीं बसर कर सकता वो पता नहीं अपने किस गुनाह में पकड़ा हुआ है और आप सारा कुछ अपने ऊपर लिए जा रहे हैं आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं सारा बोझ आप अल्लाह की तरफ रुझू करें अल्लाह की तरफ तर... अल्लाह की तरफ मुंह फेर ले उसकी तरफ तवज्जो कर ले और लोगों को समझाने के बाद उनके हाल पर छोड़ दें वो जाने और उनका रब जाने वो क्या करते हैं और क्या नहीं आप रिस्पॉन्सिबल नहीं अगर आपने किसी का दिल नहीं दुखाया आपने किसी के साथ जुल्म और ज्यादी नहीं की आपने अपने फरायज पूरे कर दिए आपने अपनी जिम्मेदारियां निभा दी फिर उसके बाद कोई उसको एक्नोलेज करता है या नहीं एक्सेप्ट करता है या नहीं इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए इससे ऊपर उठ जाना चाहिए जितना जितना इससे बाहर निकलेंगे ना उतनी तोहिद खालिश होगी तोहिद जो है ये गमों से निजात दिलाने वाली है मुश्किल से बचाने वाली है तो तोहिद का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कि अल्लाह को सिर्फ खाले को मालिक समझ कर बस छोड़ दिया जाए वो खाले का वो मालिक नहीं जिंदगी के हर लम्हे लम्हे में अल्लाह के साथ तालो हर चीज अल्लाह के लिए सारी बरदारी उसी की हर कौल हर फेल उसकी रजा की खातिर उसी के लिए रोक लेना क्योंकि तो रोकना भी पड़ता है किसी चीज को और उसी के लिए देना किसी को उसी के लिए मोहब्बत और उसी के लिए नफरत तोहिद के जो कुछ और नाम रखे गए हैं ना उन किताबों में मिलते हैं इसलिए उनकी थोड़ी सी वजाहत कर देती हूँ कि जरा मुश्किल मुश्किल टर्म्स होती हैं तो मतलब क्या है इनका एक होती है तोहहीद उलूहियत उलूहियत का लफ्ज इला से निकला है इसका मतलब यह होता है कि अल्लाह की ऐसी इबादत की जाए जिसमें मोहब्बत और ताजीम हो वलहा का मतलब होता है यानी कि, कि, कि किसी से मोहब्बत करना ना हुँ? तो मोहब्बत और ताजीम के साथ इबादत की जाए इसका नाम तोहिद अबूदीत भी रखा गया है कि वो इंसान उन चीजों को अदा करके अल्लाह की इबादत करता है जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है और उन चीजों से बचने के साथ अल्लाह की इबादत करता है जिनसे अल्लाह ने मना किया है इसी तरह तोहीद तलब तोहीद इरादा भी इसका नाम रखा गया है तोहीद कसद कसद का मतलब होता है इरादा क्योंकि बंदा सिर्फ अल्लाह सुबहान तला के चेहरे को ही चाहता है उसी का कसद करता है दीन को अल्लाह के लिए खालिस करते हुए उसकी इबादत करता है तो एक है तोहिद उलूत दूसरी है तोहिद रबूबियत यह मानना के अल्लाह ही खालिक मालिक मुदब्बिर है राजिक है, ज़िंदा करने वाला है मौत देने वाला है ये सारे माने इसमें आ जाते हैं और तीसरी है और सिफात, कि जिसमें अल्लाह नाम और अल्लाह सिफात में किसी और को उसका शरीक ना करना याद रखिए तमाम अंबिया की बुनियादी दावत तोहिद ही रही है अगर सूरत राफ को अगर पढ़े तो उसमें आप देखें सलाम का जिक्र आता है, हजरत हूद का जिक्र आता है हजरत साले का जिक्र आता है हजरत शुब का जिक्र आता है सब सब का जिक्र करने के बाद एक ही इबारत आती है फ़क याको मै अबुदुल्लाईरु याको मै अबुदुल्लाईरु या कहुरु या कब्ला हर पैगम्बर ने आके एक ही जुमला दोहराया लोगो अल्लाह की इबादत करो जिसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं तुम्हारा कोई माबूद नहीं नबी वसल्लम ने अपनी तबलीख का आगाज किस से किया था ला, 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 ला से किया था यान्नासूल ए लोगो ला इलाहा अल्ला इला कहो फलाप आ जाओगे ला इलाहा इल्लल्लाह दरअसल इंसान को हर चीज की गुलामी से स्लेवरी से निजात दिला के सिर्फ अल्लाह का बनाता है यानी जब आप बंदों से खौफ खाते रहते हैं ना तो आप बंदों के गुलाम होते हैं जब आप किसी बंदे से इतनी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से करनी चाहिए तो आप उसके गुलाम बन जाते हैं उसकी खुशी में आपकी खुशी है उसकी नाराजगी में आपकी नाराजगी है अब आप क्या ये गुलामी नहीं तो और क्या है तो तोहिद जो है ये इंसान को गुलामी से निजात देती है लोगों के बोझ और लोगों की लोगों की जो आपके ऊपर दबाव है उससे निजात देती है आपको क्योंकि कोई आपको डराता है कि अगर आपने ये किया तो आपको घर से निकाल देंगे कोई आपको डराता है अगर आपने किया तो जॉब से निकाल देंगे कोई डराता है कि अगर आपने ये किया तो आपका सौदा ही पड़ा के पड़ा रह जाएगा हम खरीदेंगे ही नहीं तरह की धमकियां जब इंसान ये समझता है, मेरा तो अल्लाह हमने देखा होगा कि बास खीन ऐसी होती हैं कि जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में होती सुबह शाम का टॉर्चर होता है उनकी जिंदगी में एक तो नॉर्मल रिलेशनशिप होता है ना एक दिन अच्छा गुजरा दूसरे दिन थोड़ा काम खराब हो गया एक दिन खुश है एक दिन नाखुश ये तो दिन और रात हर इस जिंदगी में आते हैं यह हो ही नहीं सकता कि आप हर रोज खुशी हो और यह भी नहीं होता कि हर वक्त परेशानी हो लेकिन कुछ रिलेशनशिप ऐसे हो जाते हैं कि जिनमें खुशी नाम की कोई चीज ही नहीं होती अच्छा उस रिलेशनशिप से छुटकारा क्यों नहीं हासिल करते फिर कहाँ जाएंगे आप सूरत तलाक पढ़ के देखिए अल्लाह ताला क्या हाल बताते हैं सैद्ला बाद उसरा अल्लाह तंगियों के साथ तंगी के बाद आसानी भी पैदा कर देगा लेकिन क्यों अपने आप को कतल करते हो क्यों अपने आप को यानी मुसीबत में डाला हुआ है तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं हमारी जिंदगी में जिनमें हम सिर्फ इस डर से कि अगर यहां से मेरी जॉब गई तो बस मैं गया इतनी अच्छी जॉब शायद मुझे कहीं ना मिले इसलिए मैं नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं मांगता जुमा भी नहीं पढ़ता क्योंकि ये बहुत मेरी पसंद की जॉब है नहीं आपको अपने रब के पास भी वापस जाना है और वहां पहला सवाल नमाजी का होना है तो इसलिए आपको वो भी सोच के रखना है राज़िक कौन है आपका एम्प्लॉयर नहीं है अल्लाह राज़िक है आप अल्लाह की जमीन वसी है क्या जब आप पैदा हुए थे तो आपको पता था कि आप कैनेडा में आप आके यहाँ का पानी पिएंगे और यहाँ का रिस्क खाएंगे किसने आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ था अल्लाह ने लिखा हुआ था ठीक है असबाब इंसान इख्तियार करता है लेकिन असल तो प्लानिंग अल्लाह की होती है कि किसको कहां से रिस्क देना है क्योंकि ये जिम्मा उसने लिया हुआ अपने ऊपर लेकिन हम इन्हीं चीजों के अंदर परेशान रहते हैं और ठीक है परेशानी अपनी जगह होती है मैं नहीं कहती कि परेशानी नहीं होती या बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए ये भी अल्लाह की तरफ से एक इंसान के ऊपर कैफियत आती है लेकिन मकसद ये है कि इंसान किसी भी दुनियावी नुकसान से बचने के लिए अल्लाह की इबादत और अल्लाह के साथ ताल्लुक को कुर्बान न करे अपनी इबादत और अपनी इतात और अपनी परमाबरदारी और अपने खुलूस और अपनी वफादारी का सबूत दे कि अल्लाह तू ही मेरा सब कुछ है इस्लाम की पहली बुनियाद ही तोहीद है अगर तोहीद नहीं किसी ने ला इला इला ला अल्लाह नहीं पढ़ा वो नमाज भी पढ़ा वो रोजे भी रखे आपने देखा होगा कुछ नॉन मुस्लिम अपने कलीग्स के साथ मिलकर उनको खुश करने के लिए वो भी रोजे रखने लग जाते हैं आपको तो पूरे रोजे का सवाब मिल गया लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला उस भूख प्यास से क्योंकि वो अल्लाह के लिए नहीं था वो आप वो फ्रेंड के लिए था तो उनको बताना चाहिए कि ये अल्लाह के लिए कर लो सिर्फ एक अल्लाह के लिए ला लाला पढ़ लो कितना जबरदस्त मौका है ये दावा देने का यानी इस वक्त रमज़ान का महीना बाबरकत महीना होने के एतबार से बहुत एक एक ऐसी फिजा पेश करता है कल ही मुझे किसी ने मैसेज किया कि उनकी बच्ची पब्लिक स्कूल में पढ़ती है अभी शायद ग्रेड वन में है और उन्होंने जाके तो क्लास में सारे बच्चों को बताया कि रम हमारा दीन क्या है और हम रोजे क्यों रखते हैं और मरियम घर में क्या करती है और वो प्रेयर मैट लेकर गए और किधर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं और नमाज में क्या कहते हैं और इस बहाने सारी की सारी तोहिद की और सारी दीन की पूरी दावत पेश कर दी उन्होंने कहा हमारा दीन क्या है अब बाकी तो दिल में अल्लाह ही डालता है ना लेकिन एक माँ अगर, अगर अपने ग्रेड वन के बच्चे के लिए स्कूल में जाकर उसके क्लास वालोज को सारी दावा ये सारी चीज बता सकती है कि हम कौन है और क्या करते हैं तो मेरे ख्याल हर माँ बता सकती है लेकिन फिर उसके लिए सीखना पड़ता है ना उसके लिए करेज भी चाहिए उसके लिए ये शौक़ भी चाहिए उसके लिए अल्लाह से मोहब्बत चाहिए अल्लाह जिसको जो तू मेरा रब है चाहती हूँ कि हर एक का रब तू ही हो और वो तो है ही लेकिन सब तुझे ही रब माने और उसके लिए वो हर हर तरीका करता है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इस महीने में इस जिसमें सबको पता है कि मुस्लिम इस वक्त फास्ट कर रहे हैं उसमें उनको बताएं कि ये फास्टिंग क्या है और ये क्यों करते हैं और ये कहाँ से शुरू हुई और इससे हासिल क्या होता है <laughs> क्योंकि आमतौर पर फास्टिंग आप देखिए नेट पे जाएं आपको फास्टिंग के बहुत फायदे मिलेंगे और सभी किसी ना किसी तरह की फास्टिंग करते हैं लेकिन वो इस्लामी फास्ट से बिल्कुल अलग हमारे फास्ट का मकसद है तकवा हासिल करना और वहां है सेहत हासिल करना सेहत तो झुंघे में मिल ही जाती है हु? लेकिन असल गोल जो है वो बहुत हायर है और वो है तकवा का हसूल तो कुरान मजीद में भी आप देखें कि हर हर आयत के अंदर किसी न किसी शक्ल में तोहीद मौजूद है और कुरान की भी सबसे पहली तालीम जो है वो अम ही है और न सिर्फ ये कि जिंदगी की इब्तदा में बच्चे को सबसे पहले ला 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 सिखाना चाहिए बल्कि हमारा आखिरी कलाम भी क्या होना चाहिए ला हदीस में आता है जिसकी आखिरी बात ला इलाहा हो वो जन्नत में दाखिल होगा क्योंकि जन्नत की कुंजी है ये जन्नत इसी से खुलेगी और अगर सारे काम कोई करता है लेकिन ला लाला नहीं पढ़ता तो उसके कोई भी अमल कबूल नहीं अब इस तोहहीद के कुछ तकाजे हैं वो तकाजे क्या हैं सबसे पहले ये कि अल्लाह को पहचाने कि वो है कौन जिसको हम अपना माबूद बनाए हुए

हर रंग नस्ल सब के लिए ये इल्म हासिल करना फर्ज है वो इल्म फरीजत वो कौन सा इल्म है जिसका सीखना फर्ज है वो तोहीद का इल्म है इबादात का इल्म है और ये क्या है अल्लाह के एक इलाह होने पर पूरा यकीन रखना फिर उसी के फरमा बरदार बन जाना व अनिबू इला रब्बिकुम व लहू अपने रब की तरफ रुजू करो और उसके फर्मा बरदार बन जाओ उसके लिए मुसलमान बन जाओ अल्लाह और उसके रसूल की इतात करना व रसूल इनकुन तुम मोमिनी अल्लाह के लिए खालिश होना फा अब मुखल सदीन सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत होना लोगों की बजाय अल्लाह से डरना लोगों की बजाय अल्लाह से डरना क्योंकि इंसान जिससे डरता है ना उसी की मर्जी के काम शुरू कर देता है अगर हम अल्लाह से डरते हैं तो फिर अल्लाह की इबादत करेंगे अल्लाह ही की करेंगे, Allah ताला के पर अमल करेंगे और जिन चीजों से वो रोकता है उनसे रुक जाएंगे फिर तोहिद क्या है इख्तलाफात में उसी की तरफ रुजू करना तोहीद यह है कि हर मामले में हर मुश्किल में Allah को काफी समझना व तवक्कल अल्लाह व कफा बिल्ला वकीला उसी पर भरोसा करना उसी को अपना मददगार समझना और जिंदगी के हर मामले में हमें तवक्कल की जरूरत पेश आती है अब देखिए कि बाज लोग अपने तोहमात की वजह से कि कल क्या होगा कल ये ना हो जाए कल वो ना हो जाए सब कुछ होते हुए भी खौफ का शिकार रहते और अल्लाह पे भरोसा नहीं करते सदका क्यों नहीं करते कि पैसा जमा करके रखना है कि बुढ़ापे में काम आएगा आप, आप सोचिए कि क्या सदका बलाओं को नहीं डालता ठीक है आप अपने लिए सेविंग भी करें लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ अपने हाथ में सेविंग नहीं करें कुछ सेविंग अल्लाह के पास भी कर लें कि जहां से मसाइल ने हल होना है आज आप दूसरों के लिए करें कल अल्लाह ताला आपके लिए असबाब पैदा कर देगा और अगर अल्लाह ने असबाब ना पैदा किए तो आपके पैसे तजूरियो में रह जाएंगे आपके काम फिर भी नहीं आने वाले वो और ले जाएंगे कितने ही बूढ़े लोग ऐसे हैं कि जिनके पैसे बैंक में रह गए वो दुनिया से चले गए और उनके घर भी चले गए कोई कोई चीज काम ना आई कोई वाली वारिस ना था पीछे तो असल असल अकलमंद इंसान वो है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता करते हुए अल्लाह की इबादत भी करता है और जिन चीजों से अल्लाह खुश होता है वो काम भी खुशी से करता चला जाता है अल्लाह से राजी रहना ये भी तोहीद का हिस्सा है यानी उस शख्स के लिए एक रिवायत में आता है अबू सईद कहते हैं वसल्लम ने फरमाया अबू सईद जो अल्लाह के रब होने पर इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद वसल्लम के नबी होने पर राजी हो गया उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई फिर तोहीद में से यह है कि सारी नेमतों का शुक्र अल्लाह के लिए बश गुरु ने मत अल्लाह इन गुन तुम हर नेमत पर शुक्र गुजार होना फिर उसके फैसलों को तस्लीम कर लेना कुल नहीं उसी बना इल्ला माँ का तब आप इनसे कहिए हमें अगर कोई मुसीबत आएगी तो वही आएगी जो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर की है यानी तकदीर पर इत्मीनान होना अल्लाह की तकदीर से राजी होना यह भी तौहीद का सबक है इसके बरक्स क्या है शिरक शिर्क का क्या मतलब है अल्लाह के साथ एक या एक से ज्यादा कोई हमसर बराबर का निध या शरीक बनाना जैसे इबादात में कुर्बानी में मदद तलब करने में शफात में या दुआ की कबूलियत में या रुबूबियत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना यानी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना या उसको अपना हाजत रवा मुश्किल कुशा समझना हमारा हमारी तोहीद इस बात का तकाज़ा करती है कि हम इस बात पर ईमान रखें कि अल्लाह एक है और उसका कोई भी शरीक नहीं है ना उसकी कोई औलाद है ना उसकी बादशाहत में कोई शरीक है सूरत बनी इसराइल में आता है और कह दीजिए सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने ना कोई औलाद बनाई ना बादशाही में उसका कोई शरीक है और ना आजिज हो जाने की वजह से उसका कोई मददगार है और उसकी बड़ाई बयान करो खूब बड़ाई बयान करना हम बंदों की बड़ाया बयान करते हुए नहीं थकते कभी जिंदगी में अल्लाह की भी ऐसी बड़ाई बयान की अपने आप से हमें पूछना चाहिए तो तौहीद क्या है सिर्फ अल्लाह की बड़ाई बयान करना और शिर की अकसाम में एक फैली शिरक होता है जैसे नजूमियों के पास जाना तावीज लटकाना मनके लटकाना जिसम की हिफाजत या घर वगैरह को हसद और नजर से बचाने के लिए कुछ लटकाना आपने कि कुछ लोग अपने गले में या हाथ में वो एक आई बनी होती है ब्लू आई उसको कहते शायद ब्लू आई वो पहन के रखते इन्ना इन्ना क्या ये ब्लू आई हमें नजर और हसद से बचा लेगी हरगिज नहीं ये अकीदा रखना शिरक है कई लोग घर में भी शायद लटकाते हैं मुझे इल्म नहीं मुझे कुछ याद ऐसे पड़ता है कि घर में लटकाते हैं और उसके अलावा भी कुछ चीजें लटकाते हैं कि कि जिससे ये ये समझते हैं कि ये इसके लटकने से हसद नहीं, नहीं होगा जी, आ, कुछ लोग काली चीज शायद लटकाते हैं यहाँ तो मैंने नहीं देखा लेकिन पाकिस्तान में गाड़ियों के पीछे अगर आपने किसी ने मेरी तवज्जो दिलाई कि आपने ये गाड़ी के पीछे लटकते हुए देखा मैंने कहा लोगों ने डेकोरेशन में वगैरह कोई की हुई अपनी जैसे औरतें पीछे परांदा लटकाती हैं तो हो सकता है कि ये भी कोई फैशन हो रवाज हो मुझे तो पता ही नहीं था तो उन्होंने बताया कि नहीं ये इसलिए लटकाते हैं कि नजर ना लगे कुछ लोग बच्चों को तिल लगा देते हैं काला तिल इसलिए कि नजर ना लगे आप देखिए कैसे क्योंकि वो आता है ना हदीस में कि शिरक जो है स्या रात में पत्थर पर स्या चिंटी से भी ज्यादा खुफिया है पता ही नहीं चलता कहां से दाखिल हो जाता है हमें इल्म ही नहीं होता अब आप सोचिए कि वो तिल कहाँ से बचाएगा कितनी हमाकत की बात है लेकिन हाँ, मेरे ख्याल है इतनी अक्सरियत में ये चीज है अः बहुत दफा अपने आसपास भी ये चीज देखी और मैं समझ थी खूबसूरती के लिए लगाते हैं जी कड़े पहनते हैं मन के पहनते हैं हाथों में कड़े पहनते हैं धागे लटकाते हैं अंगूठिया कुछ ऐसी पहनते हैं कि जिस, जिनके बारे में ये तस्वुर होता है कि सोलेवानी अंगूठी है शायद अं, कलर चेंज हाँ बाजू पे कुछ बांधते हैं जी तो ये सारी चीजें क्या है ये मन घड़ा तकदे हैं खुद से ही गढ़ लिया हमने तो वह है, सुपरस्टिशंस हैं इनकी कोई हकीकत नहीं है और इसके पीछे हम अपना दीन ईमान खराब कर रहे हैं तो हमें ये जानने और सीखने की जरूरत है कि ये शिरकिया अफाल हैं फिर लोग शादी ब्याह का मसला हो तो नजूमियों के पास चले जाते हैं बाबा जी के पास चले जाते हैं कि आप बताएं कि ये रिश्ता कामयाब होगा या नहीं तो फिर अल्लाह ने आपको नहीं अकल दी कि आप खुद भी सोचें कि आपके बच्चे का मिजाज क्या है दूसरे का क्या है कुछ कंपेटिबिलिटी है या नहीं है और सबसे बड़ी बुनियाद तो दी नहीं है तो बहरहाल जी जी शादी की डेट उनसे सेट करवाते हैं।, उन से कर हैं।, उन से कर हैं ये नहीं देखते कि भाई अपने रिश्तेदारों को या खुद अपने को या किसी को क्या सूट करता क्या नहीं उन लोगों से सेट कराते कर हैं फिर इसी तरह कुछ लोग अपनी हाजतें और मकसद पूरा करने के लिए कब्रों पे जाते हैं कब्रों पे हाथ फेरते हैं उनका तवाफ करते हैं कुछ उनको चूमते हैं जाके दरो दीवार को कुछ वहां जाके सजदा भी कर देते हैं यह भी शिरक है भाग भाग भी भी जी तेसे हाँ फिर इसी तरह कुछ कौली शिरक होते हैं यानी कि जबान से शिरकिया अल्फाज यानी गैर अल्लाह की कसम खाना तुम्हारे सर की कसम तुम्हारे बाप की कसम काबा की कसम जिंदगी की कसम तुम्हारे वालदे की कसम ये भी अलफ़ाज़ है किसी अल्लाह के सिवा किसी और की कसम नहीं खाई जा सकती काबा की बजाय रब्बुल काबा कहें जी कुरान की कसम अगर उसको मखलूक समझ के मान रहे हैं फिर इसी तरह यह है कि अगर ये अकीद ताजीम का अकीदा समझ रखता हो इंसान कि ये सारी चीजें जो है आ, इनकी बहुत अज़मत है ये बहुत है इनको सेक्रेड समझे शिर के अकबर बन जाता है ये चीज़ यानी ये मन के और ये सारी चीजें सेक्रेड नहीं है फिर इसी तरह यह कहना कि अगर अल्लाह और फुला ना होता तो ये काम ना होता अल्लाह और फुला अल्लाह के साथ और को मिला दिया शिर हो गया या आपने अल्लाह के साथ और को शरीक कर भी, और कहां से आ गया? आप कह सकते हैं कि सारा अल्लाह अल्लाह का है अल्ला ने वसीला बनाया अल्लाह ने आपको वसीला बना दिया ताकत अल्लाह की है उसने सबब क्योंकि सबब इख्तियार करना शिरक नहीं है तो अल्लाह ने किसी को सबब बना दिया इसी तरह जो अल्लाह चाहे और आप चाहे No है जो अल्लाह चाहे माशा अल्लाह ये थोड़ी कहते हैं माशा अल्लाह माश... वो हो जाएगा नहीं जो अल्लाह चाहेगा बस वो होगा तो इस तरह अल्लाह सुबारो तआला और गैर अल्लाह के दरम्यान बराबरी करना जायज नहीं फिर इसी तरह रियाकारी दिखावे के काम करना लोगों को खुश करने के लिए लंबे लंबे सजदे करना लोगों को खुश करने के लिए हाथ जुमरे करना कि उनके सामने मैं बहुत पाक पा, यानी नेक पाक कहलवाऊ फिर इसी तरह नहुसत पकड़ना किसी इंसान को मनहूस समझना परिंदों से नहुसत पकड़ना बिल्ली से नहुसत पकड़ना अती तो शिरक कोई चीज मनहूस नहीं है नहुसत इंसान के अपने गले में लटकी हुई अपने गुनाहों की नहुसत होती है नफा नुकसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है फिर इसी तरह तोहीद के ऑपोजिट कुफर भी है यानी तोहीद का इनकार कर देना चाहे आप अल्लाह का इनकार कर दें या अल्लाह के अल्लाह सुबहान तला ने जिन चीजों पर ईमान लाने को कहा है क्योंकि कुफर अदम ईमान को कहते हैं ईमान का ना होना कुफर है मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता अल्लाह को आज आप देखें कि खुद मुसलमानों के अंदर कितने ही ऐसे लोग पैदा हो गए हैं या बच्चों में से या फिर माहौल के असर से कि नो मोर बिलीफ ये कुफर है कि किसी को भी ना मानना अल्लाह को भी ना मानना और किसी को भी ना इसे एथिस्ट होते हैं तो ईमान की जिद कुफर है तकवा की जिद भी कुफर है वसीक़ अल्लदी न कफर उला जहन्ना मजुमरा वसीक अल्लदी न तक इलाजन्नतिमरा इला इसी तरह शुक्रगुजारी की का ऑपोजिट भी कुफर है और वो नाशुक्री के मानों में है एहसान की जिद भी कुफर है नेक अमल की जिद भी कुफर है इसका पांचवा मीनिंग है नहीं, कई माने हैं कुफर के और कुफर की दो बड़ी अकसाम है एक कुफरे अकबर है और एक कुफरे असगर है बड़ा कुफर और छोटा कुफर कुफरे अकबर वो है जो इंसान को मिल्लत से खारिज कर देता है वो मुस्लिम उम्मा से ही नहीं रहता और कुफरे असगर वो है जो इंसान को मिल्लत से खारिज नहीं करता कुफरे अकबर में इनकार और झुटलाना आता है हक से रूगरदानी निफाक यानी ऊपर ऊपर से इस्लाम का इजहार और अंदर से इनकार शक को शुभा शकु को शुभात, कि पता नहीं अल्लाह है भी कि नहीं और हम ऐसे ही मान रहे हैं पता नहीं मर, मरने के बाद कोई जन्नत दोजक़ है भी या नहीं ये शकु को शुभात होते हैं ये भी कुफर की तरफ ले जाते हैं और दूसरी किस्म का कुफर कुफर असगर कहलाता है जो अमली कुफर होता है यानी जबान से कह देना लेकिन अमल में कोई ऐसी चीज ना रखना अल्लाह के अहकाम ना मानना नमाज का इनकार रोजे का इनकार हज का इनकार इन सब चीजों का इनकार तो याद रखिए कि जो लोग अल्लाह की तोहीद का इकरार करते हैं उनके लिए खुशखबरियां हैं और अगर कुरान खोल कर देखें जो इसका इनकार करते हैं उनके लिए वईदे हैं जो लोग तोहिद इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला उनका मददगार हो जाता है अल्लाह उनको सीधे रस्ते की तरफ हिदायत देता है वह इन दिल्ली मुस्तकीम, उन्हें रोशनी मिल जाती है अल्लाह वली नानुखर जुहुनूर हयात तयबा मिलती है पाकिजा जिंदगी मन मुमिन वन हयात तयबा जो शख्स भी ने कबल करेगा खा मर्द हो या औरत बशर्ते के मोमिन हो तो हम उसे पाकिजा जिंदगी बसर कराएंगे। दुनिया और आखरत में सामान्य जिंदगी मिलने की बशारत है दुनिया और आखरत में साबित कदमी नसीब होती है यूसफ बित्लाधीना अमन हु बिल्कुल फिलहत दुनिया व दुनिया और आखरत में मुकम्मल अमन मिलता है अल्लादीना आमन वम बिसमानदन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को बड़े जुल्म के साथ नहीं मिलाया, यानी शिर के साथ यही लोग हैं जिनके लिए अमन है और यही हिदायत पाने वाले हैं इमाम अबिन क्यम कहते हैं जिस कदर बंदे के दिल में तोहीद मजबूत होती है उतना ही उसका ईमान कवि होता है और उसका अल्लाह पर इतमान तवक्ल और यक़ीन बढ़ जाता है कुल हु अल्लाहु अहद अगरचे हरूफ कम है लेकिन ये सुल से कुरआन के बराबर है वन थर्ड ऑफ कुरान के बराबर है क्योंकि इसमें अल्लाह की तोहिद का बयान है तो इससे यह पता चलता है कि तोहहीद वाली आयत बाकी आयत से अफजल है अमाल की कबूलियत का दारो मदार भी तोद पर है और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की मदद और नुसरत का वादा है दिल और रूह की पाकिजगी भी तोहीद से है तोहीद ही बिना पर की बिना पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात मिलेगी गुनाहों की बख्शिश होगी कबीरा गुनाहों के बावजूद बख्शिश हो जाएगी कबीरा गुनाह क्या है जैसे चोरी है जिना है हु? लेकिन अगर कोई ला इल्लल्लाह पढ़ता है तो इंशाल्लाह अगर तौबा कर ली तो माफ हो जाएगा और अगर तौबा नहीं की और मर गया और सजा मिली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात उसके लिए होगी इसी तरह अगर किसी ने शराब नोशी कर ली या कोई और ऐसा काम लेकिन तौहीद पर है इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो आग से निकल आएगा और जन्नत में दाखला तो है ही तौहीद पर मबनी फिर शिरक करने वालों के लिए वहीदे हैं जुल्म अजीम है, सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा अमल है नाकबले माफी गुना है शिरक करने वालों के सारे नेक अमाल जाया हो जाएंगे मुसन अहमद में आता है जब अल्लाह अजब अबलीन और आखरीन को उस दिन जमा फरमाएगा जिसमें कोई शक् व को शबा नहीं तो एक मुनादी आवाज लगाएगा क्या जो शख्स किसी अमल में जो उसने अल्लाह तबारक व तला के लिए किया किसी को भी शरीक ठहराता है उसे चाहिए कि उसका सवाब भी अल्लाह व तआला के अलावा किसी और से तलब करे जिसके लिए वो किया था अल्लाह ताला तमाम शुरका की शिरक से बेजार है यानी अगर हम अपने नेकमाल को अल्लाह के लिए नहीं करते बंदों से अजर पाने के लिए और बंदों को खुश करने के लिए करते हैं तो उनका भी क्यामत के दिन कोई अजर नहीं होगा वो क्या कहा जाएगा जिनको खुश करने के लिए किया था उन्हीं से जाकर अचर लो फिर यह के मुशरक के लिए जन्नत हराम है उसका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नम है तो इसलिए बहुत जरूरी है कि तोहहीद को जानने के साथ साथ शिर को भी जाना जाए कुफर को भी जाना जाए और फिर तोहहीद की हसूल के लिए दुआएं की जाएं। कि अल्लाह हमें तोहीद खालिस अता फरमा और इसका इजहार किया जाए कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाए क्योंकि अफजल जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह इसका भी एक कार्ड मौजूद है आई डोंट नो कि वेदर अभी बुक स्टोर में है या नहीं लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के जितने भी फायदे और सवाब हैं वो उस सब उसमें लिखे हुए हैं उर्दू इंग्लिश दोनों में मौजूद है ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं अगर किसी को बाहर से मंगवाना है फिर आप देखिए कि इल्ला सुबहान सुभानक इन्नी गुन ये कलम तौहीद था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हजरत हज़रतून सलाम को मछली के पेट से निकाल दिया और उनकी तौबा कबूल कर ली और जो भी ये दुआ पढ़े अल्लाह ताला उसको भी गम से निकालेगा इस दुआ के बारे में आता है जो शख्स दिन में सौ बार ये कलमा पढ़ेगा उसके नाम में सौ नेकियां लिखी जाएंगी सौ बुराइयां उससे मिटा दी जाएंगी उस रोज दिन भर ये दुआ शैतान से उसकी हिफाजत करती रहेगी यहां तक कि शाम हो जाए और कोई शख्स इससे बेहतर अमल लेकर ना आएगा मगर जो इससे भी ज्यादा यह कलमा पढ़ ले। उस दिन का नामा है, अमाल जो है सबसे, सबसे ज्यादा यह सौ दफा पढ़ा होगा तो इसमें आप देखिए ला, 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 ला अल्लाह ताला की ज़ात की तोहिद की ताकीद है ला शरीक लहू उसके अफाल और सिफात में तोहीद है लहुल मुल्क उसकी बादशाहत है और यहाँ बादशाहत को मुकदम किया गया उसके बाद उसी के लिए तारीफ क्योंकि उसकी बादशाहत की वजह से हम उसकी तारीफ करते हैं कि असल बादशाह वही है क़दीर ताकि पढ़ने वाले को ये यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला सारे काम बना सकता है तो यह अपने अपनी ज़ात में एक मुकम्मल दुआ है कि एक तरफ अल्लाह तौहिद का इजहार जो अल्लाह ताला को पसंद है और शर्क से इनकार और फिर अल्लाह ताला ही की तारीफ और अल्लाह ही की बादशाहत और उसके बाद अल्लाह सब कुछ कर सकता है कुल बादशाह मुख्तसर सी दुआ है लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा कलमा है सोते वक्त इस दुआ को पढ़ना चाहिए अगर आप सोते वक्त के असकार एक किताब भी है जी और ऐप भी है अगर उस वक्त रोज पढ़े तो हदीस में आता है जिसने अपने बिस्तर की तरफ आते हुए ये कहा

तो उन सब चीजों की माफी भी हो जाएगी रात को सोते वक्त फिर तो रात को अगर जाग खुल जाए खुल जाए, तो फिर उस वक्त थोड़ी से तब्दीली के साथ अलहमदुल्ला पढ़ कर अल्लाली पढ़े शुरू में वही ला वादा होगा अगर ये पढ़ के इंसान दुआ करे तो दुआ कबूल हो जाती है फिर सुबह शाम दस मरतबा ये कलमा पढ़ने के लिए कहा गया आप देखिये कितनी दफा तोहीद का इकरार हो जाएगा हदीस पे आता है कि जो सुबह शाम जिसने फजर की नमाज के बाद दस परतम यह कलमा पढ़ा अल्लाह जबल्ला उसके लिए दस निकिया लिखेगा दस बुरा माफ कर देगा उसके दस दर्जे बुलंद करेगा और इन कलमात का सवाब इस्माईल अम की औलाद में से दो गुलाम आजाद करने के बराबर होगा दस मिनट भी नहीं लगते बहुत थोड़ा टाइम लगता है दस दफा पढ़ा जाता है और अगर शाम को भी इसी तरह पढ़ेगा तो यही अदर सवाब मिलेगा यानी मिले। मग़रब की नमाज के बाद पढ़ ले मग़रब की नमाज के बाद जो पढ़ने वाला है उसमें थोड़े से अल्फाज का फर्क है ला अला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल लहमद यही व्युमीत वहू अला कुल्लिश इन कदीर जो शख्स हदीस पे आता है जो शख्स मग़रब के बाद दस मरतबा इसको पढ़ेगा अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए असल बरदार फरिश्ते मुकर कर देंगे जो सुबह तक उसकी शैतान से हिफाजत करेंगे कितनी खूबसूरत दुआ है फिर इसी तरह बाजार में दाखिल होते वक्त अगर कोई पढ़ता है ला इलाहा इला ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल वीद वह बी खैर वह हुआ लाकुल्शन कदीर तो अल्लाह लिए दस लाख टिकिया लिखता है दस लाख गुना माफ करता है और उसके लिए जन्नत में घर तामीर करता है क्या वजह कि बाजार बाजार में में इसको पढ़ने का इतना क्यों सवाब है <laughs> कि कि में और रौनकें बहुत होती हैं अल्लाह का जिक्र भूल जाता है जो वहां भी अल्लाह को याद रखे तो उसके लिए फिर बहुत बड़ा अजर सवाब है अरफा के दिन नबी वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन दुआ वो है जो अरफात के दिन मांगी जाए

इस कलबे को पढ़ने के बाद भी या इस दुआ को पढ़ने के बाद भी जो दुआ की जाती है वो दुआ कबूल हो जाती है तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान की मोहब्बत अता करे अलहबिल व कर्रल कुान जान अल्लाह ना मुसलिम व اللهم توفنا مسلمين व مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم زيننا بزينة الإيمان اللهم زيننا بزينة الإيمان اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين وأجعلنا هداة مهتدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد सल्लल्लाहु अलैहि आला खुल्द मैं तुझसे ऐसे ईमान का सवाल करता हूँ जो मजबूत और कबी हो और उसमें कोई शक और तरद ना हो और मुझे तो मुर्तद होने से महफूज रख और मैं कुफर कहीं मैं कुफर की तरफ ना फिर जाऊं और यही सब और ये ईमान का हुसूल और तौहीद का हसूल जो है यही अफसल आमाल में से है اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وال... واللهم إني أعوذ بك من أزاب القبر لا إله إلا أنت الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا छोटी सी दुआ है याद करने में कोई मुश्किल नहीं अगर आप किसी भी किसी भी तकलीफ किसी भी परेशानी का शिकार है तो बैठ सारे काम छोड़ के बैठ जाइए और तवज्जो के साथ ये दुआ पढ़ना शुरू कर दें अल्लाह सुभान व ताला मुश्किल आसान कर देगा शर्त है तवज्जो के साथ पढ़ना अल्लाह भी तेरी पनाह चाहता हूं इस बात से कि मैं जानबूझ कर तेरे साथ किसी को शरीक करूं और जो मैं नहीं जानता हूं उसके लिए तो इससे मफरत का यानी जो शिरक मैंने भूले में कर लिया या उसको माफ कर दे क्योंकि शिरक का गुनाह जो है माफी मांगे बगैर माफ नहीं होता अल्लाह का असलम तू व भी का अमन तू वह अलह का तवक्ल वह अलही

तू जिंदा है जिसे मौत नहीं और जिनों इन सब के सब मर जाएंगे तो बहरहाल खुलासा यही है कि तोहीद के इल्म को जाने तोहीद पर खात्मे की दुआ करें हर सूरत में शिरक से बचें चाहे खफी शिरक हो चाहे जाहिरी शिरक हो अपनी इबादत में किसी को अल्लाह का शरीक न बनाएं।